हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। हाई कोर्ट ने जो है एक केस में जहां पे अपील जो है कैंसिल कर दी गई थी, अपील को जो है अपील के अगेंस्ट ऑर्डर सुना दिया गया था, उस अपील को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी अपलेट अथॉरिटी को, इस अपील को जो है दोबारा से कंसिडर करा जाए। और इस तरीके के मुद्दे जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, और अगर आपके किसी केस में ऐसा रहा है, आपके किसी क्लाइंट के केस में, तो आप इस केस लॉ का जो है सहारा ले सकते हैं और वहाँ पे जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस रहा, क्या क्या एसएससी ने कहा और क्या क्या रिस्पोंडेंट ने जो है उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई किया, और लास्ट में उसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या इस केस में जो है पूरा का पूरा मामला रहा। तो ये जो केस है अपना, ये जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है ये, रीवा गाइंट इम्पैक्स एलएलपी का, ठीक है ना। ये केस है वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर सीजीएसटी रोहिणी डिवीजन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो जो अपना पेटिशनर है रेवा गाइंट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या कहा, इसने क्या मुद्दा था, पूरे के पूरे इस मुद्दे को जो है समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले बात क्या हुई, यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे एक रिफंड के लिए एक एप्लीकेशन डाली गई, ठीक है ना। रिफंड के लिए एक एप्लीकेशन डाली गई जिसको जो है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से समझते हैं, यहाँ पे एक रिफंड एप्लीकेशन डाली गई थी 18 मई 2021 को, ठीक है ना। रिफंड की एप्लीकेशन दी है, ठीक है, 8,37,400 रुपये की एप्लीकेशन थी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन डाली तो शो कॉज आया 3/6/2021 को, शो कॉज आया, जस्टिफिकेशन मांगी पेटिशनर ने, जो हमारे इम्पैक्स वाला जो पेटिशनर है उसने जो है रिप्लाई फर्निश कर दिया 14 जून 2021 को, जो है रिप्लाई भी दे दिया जी, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई भी आ गया। उसके बाद क्या करा असिस्टेंट कमिश्नर जो ने जो है इसके जो है इस रिप्लाई को कंसिडर करते हुए जो है ऑर्डर ऑर्डर इशू करा, ऑर्डर इसने 5 जुलाई 2021 को ऑर्डर इशू करा, जिसमें एक 179 का जो है रिफंड अलाउ कर दिया और बाकी जो है रिफंड जो है रिजेक्ट कर दिया, 657 का जो है रिफंड रिजेक्ट कर दिया, पार्शली जो है रिफंड अलाउ कर दिया और पार्शली जो है रिफंड जो है कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब देखो जी आगे का मुद्दा, अब जो है लर्नेड काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट, यहां पे क्या हुआ, इसके अगेंस्ट जो है बंदा अपील में गया, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है अपील में गया, यहाँ पे अपील जो है अपील फाइल करी, अपील 12 जुलाई 2021 को जो है 12:50 पे जो है ये अपील फाइल करी पेटिशनर ने, उसको एक्नॉलेजमेंट भी, उसके एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, फर्दर जो है अपील APL 01 और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है किसके अगेंस्ट करी, जो इम्पल्स ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट जो है अपील ऑर्डर जो है फाइल कर दी, इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल कर दी। कब अपील कब फाइल करी थी, 12 जुलाई 2021 को अपील फाइल करी थी, जबकि लास्ट डेट क्या है अपील फाइल करने की, 4 अक्टूबर 2021, ठीक है, 90 डेज के हिसाब से जो है यहाँ पे उसको मिलता है, और विद इन टाइम जो है उसने जो है अपनी अपील जो है फाइल कर दी, विद इन टाइम अपील है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पेटिशनर हैज नॉन सूटेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑन द ग्राउंड दैट द सर्टिफाइड ऑर्डर, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट हैज बीन सबमिटेड विद इन द 7 डेज। अपील जो है APL 01 सबमिट कर जो है फाइल करते हैं ऑनलाइन, उसके उसके बाद जो है 7 दिन तक हमें जो है वहाँ पे अपनी कॉपी जो है कम जमा कराने करानी होती है, ठीक है ना। लेकिन क्या रहता है उस केस में, जब हमारे पास ऑर्डर जो है, और जैसे अपना ऑनलाइन इसमें ऑनलाइन उसने फाइल करी तो ऑनलाइन ऑर्डर भी होगा, DRC 07 भी आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लर्निंग काउंसिल जो पेटिशनर का काउंसिल था उसने ऑलरेडी दे दिया कि भैया ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो फाइल था अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सबमिशन, ठीक है ना। तो कोर्ट ने, अब बात आई मुद्दे की कोर्ट की, तो कोर्ट ने क्या कहा, भैया 21 फरवरी 2024 को जो है कोर्ट ने अपना यहाँ पे फैसला सुनाया, और कोर्ट ने कहा कि भैया जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन था, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को कहा भैया आप जो है अपनी डिजिटल फाइल लेके आओ, अपनी डिजिटल फाइल लेके आओ जो कि पटिशनर ने अपलोड करी थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन सबमिशन, वो फाइल लेके आओ। अब काउंसिल क्या कहता है, भैया काउंसिल ये कौन सा, किसका काउंसिल, रिस्पोंडेंट का काउंसिल कहता है कि भैया ग्लिचेस की वजह से जो है, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो है यहाँ पे जो है डिजिटल डाटा ऑनलाइन सबमिशन का है ही नहीं, डिजिटल डाटा जो है ऑनलाइन सबमिशन का है ही नहीं, और इसलिए इस वजह से जो है हम आपको कोर्ट को कहा कि भैया इसलिए हम आपको जो है ऑनलाइन कॉपी जो है इसकी नहीं दे सकते,
जबकि जबकि पेटिशनर ने ऑनलाइन जो है फाइल करी थी, APL 01 भी था, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी थी, ठीक है ना। पेटिशनर के पास तो एक्नॉलेजमेंट भी है, जो है डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, रिस्पोंडेंट क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास जो है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस जो है हमारे पास जो है ऑनलाइन जो है नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इस सबको, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन व्यू ऑफ द अबव सबमिशन, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लास्ट में पेटिशनर ने कहा इम्पल्स ऑर्डर जो 26 फरवरी 2023 को जो इशू करा था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया और कह दिया भैया अपेलेट अथॉरिटी को, अपेलेट अथॉरिटी को रीएडमिट करो, रिमिटेड करो इसको, और पूरे के पूरे मामले ये अपील को जो है आप अपील को के मेरिट्स को समझो, अपील में क्या जो है उस पेटिशनर कहना चाह रहा है इसको पूरा का पूरा समझो। यहाँ पे कोर्ट ने जो है क्लैरिफाई किया, क्लैरिफाई, उसने कोई कमेंट नहीं किया कि ये जो है ऑर्डर सही है, ये रिफंड एप्लीकेशन सही है नहीं है, उसको नहीं कहा। उसने जस्ट ये बात करी कि जो भैया जो आपके पास एप्लीकेशन आई है ना उसको आप प्लीज कंसिडर करो, APL 01 को जो है यहाँ पे कंसिडर करके चलो, ये बात यहाँ पे करी गई। तो ये कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा मुद्दा था दिल्ली हाई कोर्ट का, ये काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा उन केसेस में जहां पे जो है पर्सन के पास इस तरीके की जो है अपील आती है। और यहां पे मैं इसको एक बार रिकॉल करा देता हूं पूरे के पूरे मुद्दे को कि क्या मुद्दा था, जहां पे हमारा 18/5, देखो मैं इसको सिंपलीफाई वो मैं बताता हूँ, 18 जुलाई 2021 को जो है रिफंड एप्लीकेशन डाली थी पर्सन ने, पेटिशनर ने, ठीक है ना, जो हमारा इम्पैक्स वाला था उसने डाली। उसके बाद जस्ट शो कॉज नोटिस आई, जस्टिफिकेशन 3 जून 2021 को जस्टिफिकेशन आई, जिसका उसने रिप्लाई भी कर दिया, ठीक है, 14 जून 2021 को, ठीक है, उसने रिप्लाई भी कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डर आया जहाँ पे उसने पार्शली जो है रिफंड अलाउ कर दिया और पार्शली जो है उसने रिफंड रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पर्सन ने अपील डाली, कब, 12 जुलाई 2021 को 12:50 पे अपील फाइल करी, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई विद इन टाइम, 90 डेज मिलने थे, 4 अक्टूबर 2021 तक फाइल कर सकता था, लास्ट डेट थी, तो उससे पहले पहले ही उसने जो है, उसने तो कुछ दिन बाद ही, ठीक है ना, यहाँ पे ऑर्डर आया 5 जून को और उसने 12 तारीख को ही अपनी अपील फाइल कर दी। कोर्ट ने किसको कहा, रिस्पोंडेंट को कहा कि भैया आप जो है प्रोड्यूस कीजिए डिजिटल फाइल, ठीक है ना। लेकिन क्या कहता है रिस्पोंडेंट ने कोर्ट को क्या कहा, रिस्पोंडेंट ने कोर्ट को कहा कि भैया टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो है हम जो है फाइल अवेलेबल नहीं करा सकते, फाइल जो है अपने पास नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या करा, जो ऑर्डर इशू किया था अगेंस्ट अपील उसको कोर्ट ने कर दिया सेट असाइड, और 21 फरवरी 2024 को जो है कह दिया भैया मैटर जो है आप अपेलेट अथॉरिटी इसको कंसिडर कीजिए, APL 01 जो कि पटिशनर ने फाइल किया है उसको कंसिडर कीजिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था दिल्ली हाई कोर्ट के पास आया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर करते हुए जो है पूरा का पूरे मैटर को समझते हुए अपना फैसला जो है सुनाया। तो इस तरीके का आपके साथ कोई मुद्दा आया, आपके किसी क्लाइंट के केस में आया हो, तो आप इस जो है जजमेंट को जो है रेफर कर सकते हैं, काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल जो है ये जजमेंट रहेगी उस केसेस में, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो हमने कहा इसको एक बार लेके चलते हैं और डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।